दोस्तों, क्या आपने फैक्ट्री में ब्लूटूथ स्पीकर को बनते हुए देखा है? और आखिर कान में लगाने वाले हेडफोन को कैसे बनाया जाता है? और होम थिएटर बनाने के लिए किन किन तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? नंबर एक पर है होम थिएटर मेकिंग प्रोसेस। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ियों के शीट को एक दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर असेंबल करते हैं और उसके इंटरनल जॉइंट्स पर ग्लू लगाकर अच्छे से चिपकाते हैं, जिसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर इसके अंदर वायर को डालते हैं। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगाकर एंटेना वायर को असेंबल करते हैं, फिर 20 वोल्ट के स्पीकर को असेंबल करके ट्रांसफॉर्मर को लगाते हैं और इन्हें होम थिएटर की बॉडी से जुड़ने के लिए इस स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर इनपुट और आउटपुट पर ब्लैक पैनल लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं और होम थिएटर के सभी वायर जैसे स्पीकर वायर, एंटेना वायर और ट्रांसफॉर्मर वायर को अटैच करते हैं। फिर सभी वायर को सोल्डरिंग करके कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहां कुछ वर्कर बैक पैनल को होम थिएटर में असेंबल करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं। होम थिएटर से हीट निकलने के लिए प्लास्टिक फॉर्मर को ग्लू लगाकर इसमें असेंबल करते हैं और फ्रंट मॉड्यूल पर सभी वायर को अटैच करके ग्लू की मदद से चिपकाते हैं। फिर इसके साथ लगने वाले स्पीकर को बनाने के लिए प्लास्टिक बॉडी पर छोटे छोटे स्पीकर को रखकर इस स्क्रू से टाइटली कसते हैं और बैक कवर लगाकर इन्हें पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। फिर होम थिएटर की टेस्टिंग में होम थिएटर का बेस, वोकल और इंटरनल इंस्ट्रूमेंट को चेक किया जाता है और टेस्टिंग प्रोसेस हो जाने के बाद इसे पॉलिथीन में पैक करके बॉक्स में डालकर बॉक्स को क्लोज करते हैं। फिर बॉक्स पर कंपनी का स्टिकर लगाकर होम थिएटर को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब नंबर दूसरे पर आता है ब्लूटूथ स्पीकर मेकिंग प्रोसेस। तो ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें लगने वाले स्पीकर को बनाया जाता है। उसके लिए बॉटम प्लेट पर ग्लू लगाकर मैग्नेट को चिपकाते हैं, फिर मैग्नेट पर ग्लू लगाकर बास्केट पर अलग अलग पार्ट को वेल्डिंग करते हैं। अब बास्केट को मैग्नेटिक स्ट्रक्चर पर चिपकाकर दूसरे मशीन में भेजते हैं, जहां स्पीकर और कॉइल पर ग्लू लगाकर स्पीकर के अंदर चिपकाते हैं। फिर स्पीकर में लगी ऑयल को बास्केट के ऊपर सोल्डरिंग करके वायर को सीधा करते हैं। अब इसके बास्केट पर ग्लू लगाकर सन राउंड को चिपकाते हैं। दोस्तों, ये सन राउंड बेस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है और फिर टर्नल में करंट देकर स्पीकर को चेक करते हैं। फिर इस स्पीकर को दूसरी मशीन में रखकर ग्लू लगाकर डस्ट कवर को लगाते हैं। अब इस स्पीकर से निकले एक्स्ट्रा वायर को कटिंग करके टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं, जिससे स्पीकर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है पीसीबी को बनाने की, जिसके लिए ग्रीन प्लेट को सर्किट मेकर मशीन में डालकर सर्किट को ड्रॉ करते हैं। फिर इन पर छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाकर ऑटोमेटिक मशीन से माइक्रोचिप को लगाते हैं। अब कैपेसिटर को लगाकर रजिस्टर को लगाते हैं, फिर करंट को एक डायरेक्शन में भेजने के लिए डाइवर्ट लगाकर चार्जिंग के सॉकेट को लगाते हैं और इन्हें सोल्डरिंग करके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं, जिससे पीसीबी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जहां पीसीबी के साथ बैटरी को सोल्डरिंग करके स्पीकर को भी अटैच करते हैं। फिर इस पूरे सिस्टम को ब्लूटूथ की बॉडी में फिट करके सोल्डरिंग किया जाता है और इसे क्लोज करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर इसे दूसरे यूनिट में भेजकर इसका टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं और फिर इस तरह आपका ब्लूटूथ स्पीकर बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे पैकिंग करने से पहले इस स्पीकर के बीच में सर्कुलर कॉटन चिपकाकर उस पर कंपनी के स्टिकर को लगाते हैं। फिर इसके बॉक्स में स्पीकर का डॉक्यूमेंट रखकर उस पर ब्लूटूथ का स्पीकर रखते और लास्ट में बॉक्स को क्लोज करके टेप लगाकर पॉलिथीन में पैक करते और इस तरह आपका ब्लूटूथ स्पीकर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है।